अब देखिए नेक्स्ट मेथड कौन सा है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। कौन सा है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, एनसीआर इंटू पी टू द पावर आर इंटू क्यू टू द पावर एन माइनस आर। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला ये है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे हेडिंग दे दीजिए आप, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। हेडिंग दे दिया आपने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब देखिए इस बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में एनसीआर का फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला है फेलियर और सक्सेस। अच्छा अब देखिए, अगर मैं सेम क्वेश्चन रखूं, क्या क्वेश्चन है मेरा, जो कि मेरा क्वेश्चन था यहां पे आपका डिस्ट्रीब्यूट डिस्ट्रीब्यूशन वाले में, क्या क्वेश्चन है मेरा, कॉइन को मैं 3 बार टॉस कर रहा हूं, हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है इन जनरल। ठीक है, सेम क्वेश्चन। लिख लीजिए सेम क्वेश्चन, कॉइन को अगर मैं टॉस करता हूं तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। अब यही क्वेश्चन को हम निकालना सीखेंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से। ठीक है, चालू करें। देखिए आप हेड आने का टेबल बना लेंगे, तो हेड आने का टेबल जब बनाएंगे आप, तो ये हो गया आपका एक्स कॉलम और ये हो गया आपका एफ कॉलम। और फिर ये हो गया आपका पी एक्स कॉलम। ठीक है, चलिए देखते हैं। एक्स एक्स यहां पे क्या है, हेड। हेड या तो 0 बार आएगा, या तो 1 बार आएगा, या तो 2 बार आएगा, या तो 3 बार आएगा। ठीक है, 0, 1, 2, 3। अब यहां पे हम अगर टेबल नहीं बना रहे हैं, फ्लो चार्ट नहीं बना रहे हैं, तो हमें पता नहीं चल पा रहा है कि कितने बार आने वाला है, फ्रीक्वेंसी कितने बार है, ये हमें अननोन है, पता ही नहीं है कि कितने बार आएगा। ठीक है, मतलब हमने क्या स्किप कर दिया यहां पे, इस मेथड में हमें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वाले मेथड में हमें ये पूरा जो चार्ट था, ये वाला जो चार्ट था, ये बनाने की जरूरत ही नहीं है, ये पूरा चार्ट स्किप कर दिए हमने। टोटल निकालने, कितने बार 1 आया, कितने बार 2 आया, कितने बार 3 आया, ये सैंपल स्पेस में से देख देख के जो हमने टिक किए थे, पता किए थे कितने कितने बार और आ रहा है, ये हमने किया ही नहीं इस मेथड में। इस मेथड में हम सीधा एफ जो कॉलम है उसको ब्लैंक छोड़ दे रहे हैं। ठीक है भाई, हमने ब्लैंक छोड़ दिया एफ कॉलम को, अब क्या करें। अब देखिए, अब क्या निकालना है आपको, पी एक्स, अगला कॉलम क्या रहता है, पी एक्स।
अगला कॉलम है आपका पी एक्स का, और जब पी एक्स आ जाएगा तो नेक्स्ट कॉलम क्या रहेगा आपका, पी एक्स इंटू एक्स का, और फिर इसका जो समेशन आएगा वही आपका आंसर होगा, एक्स बार हो जाएगा, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ पी एक्स इंटू एक्स, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो अब पी एक्स निकालना है। अब भाई पी एक्स कैसे निकाले, पी एक्स निकालने के लिए तो हमें फेवरेबल आउटकम और टोटल आउटकम की जरूरत है। फेवरेबल आउटकम टोटल आउटकम कुछ भी नहीं पता हमें, तो हमें तो ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता फेवरेबल कितने होने वाले हैं और टोटल कितने होने वाले हैं। इसी के लिए यहाँ पे बना है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें कि पी एक्स का निकालने का तरीका ही अलग है, यहाँ पे फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम तो दिया ही नहीं है फॉर्मूले में, ये फॉर्मूला तो लग ही नहीं रहा है, यहाँ तो फॉर्मूला ही अलग है। यहाँ पे क्या फॉर्मूला यूज हो रहा है, एन सी आर, यहाँ पे क्या निकालना है हमें पी एक्स निकालने के लिए, एन सी आर इंटू पी टू द पावर आर क्यू टू द पावर एन माइनस आर। इस क्वेश्चन में तो हमें ये चाहिए। अब ये डाटा हमें हमारे पास है क्या, ये डाटा है क्या देखते हैं। पहले मैं थोड़ा सा इसको सिस्टमेटिक कर देता हूँ ताकि आप बाद में आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे एन सी आर पी टू द पावर क्यू टू द पावर एन माइनस आर, क्वेश्चन किसका है, टॉसिंग अ कॉइन का, कॉइन को टॉस कर रहे हैं। तो हमारे पास अगर हेड हेड का निकाल रहे हैं, हमारे पास वेरिएबल क्या चल रहा है, हेड, तो हेड आना और टेल आना, हेड आना हमारे लिए क्या है, सक्सेस, जिसको हम पी से डिनोट करेंगे, और टेल आना हमारे लिए क्या है, फेलियर, जिसको हम क्यू से डिनोट करेंगे। तो पी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या है एक कॉइन को टॉस करने पे, 1/2, दो ही आउटकम है, हेड आएगा या टेल आएगा, और फेल होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2। तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2, और फेलियर की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2। तो ये पी और क्यू क्या हो गए, 1/2 1/2। चलिए अब हमें क्या मिल गया, पी और क्यू तो मिल गया, अब आर क्या है और एन क्या है। तो एन यहां पे होता है जितने बार कॉइन को टॉस कर रहे हो, तो ये एक बार टॉस करें, फिर दो बार टॉस करें, फिर तीन बार टॉस करें, तो नंबर ऑफ इवेंट क्या हो गए आपके, तीन। तो एन क्या हो गया यहाँ पे, थ्री, थ्री टाइम्स कर रहे हैं टॉसिंग, तो इवेंट तीन हो गए आपके। ठीक है, आर क्या है, जितना आपको चाहिए, आर मतलब होता है कि तीन में से अगर जीरो हेड आए तो 3c0, वन हेड आए तो 3c1, मतलब ये कॉम्बिनेशन हुआ, तो तीन में से जीरो वाले कॉम्बिनेशन कितने हुए, वन वाले कॉम्बिनेशन कितने हैं, टू वाले कॉम्बिनेशन कितने हैं, तीन वाले कॉम्बिनेशन, इससे हमें ये पता चल जाएगा। तो अब देखिए सारी टर्मिनोलॉजीज हो चुकी है, अब देखिए अगर हम अभी से लिखना चाहें तो अब लिख सकते हैं, क्या आएगा यहां पे फॉर्मूला, 3c क्या है यहाँ, जीरो इंटू पी क्या है, 1/2 टू द पावर आर क्या है यहाँ पे, जीरो इंटू 1/2 टू द पावर एन माइनस आर, एन क्या है, थ्री, तो थ्री माइनस जीरो। गया। अच्छा नेक्स्ट बनाने की कोशिश करते हैं, यहां पे क्या है, वन वाले में बनाने की कोशिश करते हैं, देखिए क्या है, 3c1 इंटू 1/2 टू द पावर वन इंटू 1/2 टू द पावर थ्री माइनस वन, इजी है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद वाला देखते हैं, 3c2 इंटू 1/2 टू द पावर टू इंटू 1/2 टू द पावर थ्री माइनस टू, और लास्ट आपका 3c3 इंटू 1/2 टू द पावर 3
इंटू 1/2 टू द पावर 3 माइनस 3। ये टेबल में लिख लीजिए, टेबल थोड़ी बड़ी बनाना था आपको, ताकि आप इसको लिख सकते हैं। अगर ये यहाँ पे नहीं आ रहा है, अगर आपने छोटी टेबल बना ली है, तो यहाँ पे आप कैलकुलेशन लिखिए, पी एक्स, यहाँ पे आप नंबर नाम दे दीजिए, PX1, PX2, PX3, PX4, और उसका कैलकुलेशन यहाँ नीचे कर लीजिए, लास्ट में फाइनल आंसर लिख देना। ठीक है, यहाँ पे लिखते जाइए PX1, और यहाँ उसका कैलकुलेशन कर लीजिए, PX2 उसका कैलकुलेशन कर लीजिए, और लास्ट में यहाँ टेबल में फिल कर देना। ठीक है, कैसे करेंगे समझ में आ गया? अगर आप टेबल ऑलरेडी छोटी बना चुके हैं तो नीचे कर लीजिए, कोई बात नहीं। अच्छा, अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, इसे सॉल्व कैसे करेंगे, इसका मतलब क्या हुआ? 3C0 मतलब क्या होता है? 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, इसको भी मैं पूरा लिखते जाता हूँ, 3 फैक्टोरियल मतलब क्या होता है? 3 × 2 × 1 डिवाइडेड बाय, फिर क्या है, 0 फैक्टोरियल, आर होता है, एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय आर, तो ये आर क्या है, 0 है, तो आर फैक्टोरियल, तो 0 फैक्टोरियल इंटू, उसके बाद क्या है, 3 − 0, 3 − 0 0 हो रहा है, 3 − 0 3, तो यहाँ पे 3 × 2 × 1 मतलब क्या हो रहा है, ये तो 0 आएगा, और 0 से इसको डिवाइड करेंगे तो 0 ही हो गया, ये पूरा फिगर तो पूरा का पूरा कैंसिल हो गया। ठीक है, इंटू 1/2 टू द पावर 0, तो ये भी 0 कैंसिल हो गया, इंटू 1/2, मतलब यहाँ पे 1 आ गया, ये दोनों 1 हो गए। ठीक है, अब लास्ट 1/2 टू द पावर 3 − 0, तो 3 है, ये 3 है, तो अब मेरे पास क्या मिल गया आंसर, मेरे को 1/8। समझ में आया, फर्स्ट हमने सॉल्व किया, हमें क्या मिल गया, 1/8, 2 का क्यूब, 1 का क्यूब 1 ही होता है, 2 का क्यूब 8 होता है। करिए नेक्स्ट वाला, आप कोशिश करिए, बाकी के तीनों आप निकालने की कोशिश करिए आंसर, आप वैसे तो आपको मालूम है कि क्या आने वाला है, इसमें 1/8 आया, नीचे में 2 में 3/8, 3/8 आएगा, और लास्ट में 1/8 आएगा, ये तो आपको ऑलरेडी मालूम है, क्योंकि आपने फ्लो चार्ट बना के पूरे एक एक पता कर लिए थे। अगर मान लो यही चीज 3 बार टॉस करने की जगह 10 टाइम टॉस होता, तो हम इतना बड़ा चार्ट ट्री बनाते, तो हमारा 3 4 पन्ना तो ट्री में ही निकल जाता, एक एक को पता करते रहते, पॉसिबल ही नहीं था। अब समझ में आया बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? अगर हम वो ट्री बनाते बैठे रहते, पूरा एक एक पता करते रहते, काउंटिंग करते रहते, पूरे सैंपल स्पेस लिख लिख के, तो हमारे लिए चीजें बहुत ही कॉम्प्लिकेट हो जाती, करना बहुत कठिन हो जाता। और ये देखिए, ये मेथड से कितना आसान हो जा रहा है वही पूरा प्रोसेस हमारा। हो रहा है आपसे ये सॉल्व, देखिए जिनसे नहीं बन रहा मेरे साथ देखिए, 3C1 मतलब क्या होता है, 3 फैक्टोरियल, 3 × 2 × 1 डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल, तो 1 × 3 − 1 फैक्टोरियल, तो 3 − 1 = 2, तो 2 × 1, तो 2 × 1 और 2 × 1 कैंसिल हो गया, बचा क्या, खाली 3 × 1/2 टू द पावर 1 है, तो ये वैसे के वैसे हो गया। फिर इधर क्या है, 1/2 टू द पावर 3 − 1, तो 2 है, मतलब क्या हो गया कि 3 ऊपर रह बचा। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या निकला, 1 की पावर 1, 1 की पावर 2, सब कुछ 1 ही होएगा, और × 3 करना है, तो ऊपर में क्या हो गया, 3, नीचे में देखिए 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, तो 4 × 2 = 8 हो गया सॉल्व। नेक्स्ट देखते हैं 3C2,
देखिए, 3 × 2 × 1 / r फैक्टोरियल, तो 2 × 1 × 3 − 2 फैक्टोरियल, 3 − 2 = 1, तो × 1। इसमें भी देखिए, 2 × 1 × 2 कैंसिल हो गया। आगे देखते हैं, 1 × 1 / 2 to the power 1 सॉल्व करें, क्या आएगा सॉल्व करने पे? ऊपर में देखिए सिर्फ 3 है, 3 / 2, नीचे में 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8। क्लियर है? ये दोनों सॉल्व हो गए, ये 3 हो गए आपके। ये चौथा लास्ट वाला देखते हैं। देखिए लास्ट वाले में 3C3, तो 3 फैक्टोरियल ऊपर, 3 × 2 × 1 / फिर से n फैक्टोरियल / r फैक्टोरियल, तो ये r है, तो 3 × 2 × 1 × 3 − 3 फैक्टोरियल, n − r फैक्टोरियल होता है इसके बाद, तो 3 − 3 फैक्टोरियल इज आपका अगेन कुछ नहीं रहा, 3 − 3 फैक्टोरियल। तो इससे क्या हो जाएगा, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा कैंसिल हो गया, ये भी आपका कुछ रहा नहीं, 1 रहा, तो यहाँ पे कुछ नहीं मिला आपको। फिर आप आगे गए, 1 / 2 to the power 3, और फिर 3 − 3, यहाँ पे फिर आपका कैंसिल हो गया, ये 1 मिला, 1 / 2 to the power 0, तो ये अगेन आपका 1 हो गया। तो बचा क्या आपके पास, 1/2 का क्यूब, तो क्या मिला आपको, 1/8। मिल गए सारे पी एक्स। देखिए सारे पी एक्स वही आए, 1/8, 3/8, 3/8, 1/8। डिस्ट्रीब्यूट वाले मेथड में देखिए पेज पलट के, इस मेथड में भी कितने आए थे, पी एक्स 1/8, 3/8, 3/8, 1/8। पर यहाँ पे फर्क क्या था, एफ अब हमने चार्ट के थ्रू निकाला था, यहाँ पे हमने फॉर्मूले के थ्रू निकाल लिया, डायरेक्टली पी एक्स निकाल लिए। अब वही सेम है, पी एक्स इंटू एक्स, पी एक्स इंटू एक्स का कॉलम, उसका समेशन निकाल लेते हैं। ऑन प्रेस कर लिया मैंने, 0 × 1/8 + 1 × 3/8 + 2 × 3/8 + 3 × 1/8 +, और फिर एम आर सी। ठीक है, कुछ मल्टीप्लिकेशन में गड़बड़, फिर से कर लेते हैं, कोई बात नहीं, फिर से देखते हैं। 0 × 1/8 + 1 × 3/8 + 2 × 3/8 + फिर लास्ट 3 × 1/8 + एम आर सी। देखिए ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे तो क्या है आपका 0, यहाँ पे क्या है आपका 3/8, यहाँ पे क्या है 3 × 2 = 6/8, और यहाँ पे कितना आया 3/8। ठीक है, अब ये सब को सम करना है, तो नीचे कॉमन है तो ऊपर का सम कर देते हैं, तो कितना आ रहा है यहाँ पे, 6 + 3 + 3 इस टोटल 6 + 6 12, 12/8। यहाँ कितना आ गया आपका, 12/8, 12/8 कितना आया, 12 / 8 इज आपका 1.5।
कैलकुलेटर में कभी कभी मिस्टेक इसलिए हो जाती है क्योंकि हम बटन कुछ गलत प्रेस कर देते हैं, बाकी कैलकुलेटर का आंसर हमेशा सही रहता है। बटन ध्यान से प्रेस करना है हमें, अभी गलती हो गई थी हमसे बटन प्रेस करने में जिसके कारण हमारा आंसर गलत आ रहा था, बट हमने फिर ठीक कर लिए। आंसर कितना आ रहा है? 1.5। ठीक है, सेम आंसर आएगा जो यहाँ पे आया था आपका, क्योंकि सब कुछ सेम ही था ऑलमोस्ट, सिर्फ हमारा पीएक्स निकालने का तरीका बदल गया। तो ये आपका कंप्लीट हुआ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। डिस्क्रीट सीरीज में हमने अभी तक दो मेथड देख चुके हैं। पहला मेथड हमने देखा डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें हमने पूरा डिस्क्रीट सीरीज कैसे कन्वर्ट करा जाता है चार्ट देख के वो सारा सीखा। उसके बाद उसका मीन कैसे निकालते हैं, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं, दोनों मेथड से सब सीख लिया हमने। उसके बाद बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में आए, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में देखे कि हम पी एक्स कैसे निकालते हैं। क्लियर है? कंप्लीट आपके कॉपी में कंप्लीट कर लीजिए पूरा प्रॉपरली। हो चुका है यहाँ तक, आगे बढ़े।